नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर आज का राशिफल, शेयर बाजार और कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आज शेयर बाजार कम्युनिटी बाजार कैसा रह सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। और आज आपका राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। सुप्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से यह शो प्रसारित हो रहा है। आज की ग्रह स्थिति, आज देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर है, चंद्रमा जो है वो सिंह राशि के अंदर है, बुध और शनि का अद्भुत सहयोग सूर्य के साथ में बन रहा है मकर राशि में। ये सब ग्रह सहयोग बाजारों में निश्चित रूप की रचना कर सकते हैं। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, इसे कर्नल अजय जी बात करें अगर अब कम्युनिटी बाजार की, तो कम्युनिटी बाजार में सबसे पहले आपसे कृषि फसलों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। हमने मसालों में काफी शानदार बढ़त बनती देखी थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि मसालों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है वायदा बाजार एनसीडीएक्स पर। आपको क्या लगता है आज मसालों में कैसा रुझान रह सकता है? देखिए, मसालों ने बहुत शानदार अप ट्रेंड दे दिया है, चाहे वो धनिया हो या फिर हल्दी हो, जीरा, हाँ उसके अंदर, हाँ उसमें काफी अच्छी मूवमेंट रही है। जहां तक इंट्रा ट्रेड का सवाल है, यानी एक या दो दिन की ट्रेडिंग का सवाल का संबंध है, मुझे लगता है कि अब जो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, क्योंकि इंट्रा डे ट्रेडर और लंबी अवधि के ट्रेडर्स के बीच में एक बुनियादी फर्क ये रहता है कि लंबी अवधि के ट्रेडर हमेशा गिरावट में माल खरीदते हैं और उसको पेशेंस से महीना 15 दिन रखते हैं, जबकि इंट्रा डे ट्रेडर्स दैनिक तेजी मंदी को ही नजर रखते हैं, उनको लंबी अवधि की का ट्रेंड और ट्रेड से उन्हें कोई खास ताल्लुक नहीं रहता है। तो जो छोटी अवधि के ट्रेडर है, घंटे दो घंटे छह घंटे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उनको मुझे लगता है कि आज कुछ मसाला पैक के अंदर मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं, उसमें चाहे हल्दी हो या फिर जीरा। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो यानी कि अभी छोटी अवधि में मसालों में कर्नल अजय जी के मुताबिक ट्रेडर्स को मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ये से कर्नल अजय जी बात करें अगर कैसर सीड की, तो कैसर सीड में हमने 5,800-5,900 से सीधे 6,200-6,300 पर लेवल्स जाते हुए देखे थे। आपने भी बताया था कि कैसर में कुछ मजबूती बनती नजर आ सकती है, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली भी बनी है। आपको क्या लगता है, क्या सही मौका है कैसर में संभल जाने का? कैस्टर सीड के अंदर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनको खरीदारी से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि आज जो लेबल्स हैं, इन लेबल्स के अंदर आज गिरावट की संभावनाएं अधिक प्रतीत होती है, और छोटी अवधि के जो ट्रेडर्स हैं कैस्टर के, उनको एक आध दिन बचना चाहिए। जी, तो यानी कि छोटी अवधि वाले ट्रेडर्स के लिए कैस्टर में, उनको कैस्टर में खरीदारी से बचना चाहिए। कैस्टर में अभी कुछ नरमी बनती नजर आ सकती है कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। इसे कर्नल अजय जी बात करें अगर अब नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री में आपसे सोने चांदी के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि ज्यादा ही उठापटक देखने को मिल रही है, हालांकि हमने कीमतों में भी कुछ सुधार होते हुए देखा है, लेकिन एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी, ऐसे में किस दिशा में ट्रेड करना सही, चलना सही रहेगा? देखिए, रुपी के अंदर बहुत तेजी से वॉलेटिलिटी बन रही है, डॉलर इंडेक्स के अंदर भी काफी फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए जो कल गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई दी, और ये बड़ी अप्रत्याशित थी, बड़ी अनसर्टन थी कि एकदम से लगातार दो दिन के अंदर 4-5% सिल्वर का बढ़ जाना और गोल्ड के अंदर भी अच्छी तेजी दिखा देना, ये एक बड़ा खतरे का सीजन का सबक बन जाता है। जब 5-6% सिल्वर जैसी इंटरनेशनल कमोडिटी के अंदर एक तरफा तेजी बन जाती है, तो ऐसे समय के अंदर निवेशक है, जो ट्रेडर्स हैं, उनको शांति से वेट एंड वॉच करना चाहिए, इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि और जब 5-6% की मूवमेंट बन रही होती है उस वक्त थोड़ा सा शांति रखना चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर मैं तो खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसे कर्नल जी बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या लगता है शेयर बाजार कैसा रह सकता है आज?
शेयर बाजार के अंदर देखिए, कल भी हमने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको नजर रखने के लिए कहा था और गिरावट की बात की थी। कल भी अच्छी गिरावट थी, आज भी शेयर बाजार के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गिरावट दिखा रही है। निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर की गिरावट दिखा रहा है। मैं यही कहूंगा कि आगे जो अब बजट काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो बजट के अंदर 10-11 दिन बचे हैं, तो बजट को ध्यान में रख के यदि ट्रेडिंग पिक्स पकड़ी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगी। कल आपको याद होगा हमने कोल इंडिया के ऊपर बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोयले के जो भाव जो है वो लगातार बहुत बड़ी तेजी दिखा रहे हैं और उसका प्रयास कोल इंडिया जैसे स्टॉक के ऊपर भी पड़ता है और कल भी अच्छा मूवमेंट था और आज भी देखिए कोल इंडिया ने अच्छी मूवमेंट कर दी। इसके अलावा आपको याद होगा हमने आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर भी एक लगातार हम आपको बात कर रहे हैं क्योंकि आगे पांच राज्यों के अंदर इलेक्शन होने हैं। यूपी है, पंजाब है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है और गोवा है। तो ये ऐसे समय के अंदर कोई भी सरकार किसानों को या को नाराज करने की हिमाकत नहीं कर सकती। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एग्रो रिलेटेड या फर्टिलाइजर स्टॉक्स है या एग्रो इक्विपमेंट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं या ट्रैक्टर जैसी कंपनियां हैं बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, अच्छा मूवमेंट बनेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक और है, शुगर स्टॉक्स जो है वो भी अपनी चमक दिखा सकते हैं। गौरतलब है कि जिसकी एथेनॉल और इन सबके ऊपर बड़ा अच्छी मूवमेंट जो सरकार ने परमिट किया है, इसका फायदा भी शुगर स्टॉक्स को नजर आ सकता है। बलरामपुर चीनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, पराज इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं, इनके ऊपर निवेश किया जा सकता है अगले 2-4-5-7 सेशन के लिए। जी अखिलेश जी। जी कनल जी, तो कुछ ऐसा रह सकता है आज शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।